नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल में आजमगढ़ जिले के लालमऊ गांव से हम लोग मौके पर आ चुके हैं, तो चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा सांप है। इधर घुसा ना, दो तो है। और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो सांप दिखा गया है, तो हम लोग अभी दोनों सांपों को ढूंढेंगे और सुरक्षित रूप से उनको रेस्क्यू करके उनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, इनका एक पुराना घर था जिसको ये गिरा रहे थे और यहाँ पर वापस से नया घर बनाना चाह रहे थे, और इस दीवार को गिराते वक्त इन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो सांप को देखा और ये काफ़ी ज़्यादा भयभीत ये डरे हुए हैं कि अगर जहरीला सांप हुआ तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, और हम लोग सांप को खतरा नहीं पहुँचाना चाहते, इसलिए इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। और और यहाँ पर हमने पहले सांप को रेस्क्यू कर लिया, और ये इंडियन रेड स्नेक यानी कि धामन सांप है जो कि पूरी तरह से नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर का होता है। अगर ये किसी भी इंसान को बाइट कर ले तो उसकी मौत नहीं होती, इससे इंसानों की जान को कोई भी खतरा नहीं होता। और यहाँ पर हमें दूसरा सांप भी मिल चुका है, और ये एक इंडियन वुल्फ स्नैक है। यह भी नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर का होता है। इसे घरचित्ती और साखर भी कहा जाता है। यह भी टोटली नॉन वेनमस होता है। अक्सर गांव में लोग इसको गेहुवन कहते हैं और गेहुवन समझते हैं, लेकिन असल में यह गेहुवन नहीं होता है। और गेहुवन इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग को कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से जहरीला होता है। इसको पहचान लाए सब बिना जहर का, दोनों बिना जहर का। लेकिन आई पहले जैसा काला लगा तो अंदर में काटा ना देख रहे हैं इसके काटने से कुछ नहीं, तब तो डर पैदा रहे। नहीं तो जानिए, हम लोग गलत नहीं बताएंगे, सही बताएंगे, जो भी बताना रहेगा। आप लोग की जानकारी हमने कहा ना, वही जानकारी रहा ली। मतलब जानकारी ला, हमने जानकारी लीजिए, जानकारी मिल दे रहे ना। देखिए कितना काटा, कई बार काट ला। ये भी बच्चा है, देख अपने अपने आप को खुद काटा। देखिए बस इधर ले, मट्टी पर देख रहा कितना काट रहा है, बहुत तेज काट रहा है, काटने में बहुत। क्या किया जाए, इससे कोई दिक्कत हो ना तो के ईयर ये सब रहिया था और फायदा तो के इधर छोड़ जाए। काट तो इशारा है कि देखने वाला एकदम डर जाए कि खा ही जाएगा। हाँ वो चल जाएगा ऊपर। इसका खेत है वो जैसा कि हम सब जानते हैं, दोनों सांप नॉन वेनमस यानी कि पूरी तरह से बिना जहर के, और इससे इंसानों की जान को कोई भी खतरा नहीं होता। अगर एक तरह से देखेंगे तो इंडियन रेड स्नेक यानी कि धामन सांप किसान मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये चूहों को खत्म करता है जिससे कि किसानों की फसलों में पैदावार बढ़ती है।
इसलिए इन्होंने बोला कि इसको आप हमारे घर के बगल में खेतों में ही रिलीज कर दें, इससे हमें कोई खतरा नहीं है और हम लोग इसको अच्छे ढंग से जान पहचाना है, हमें जहरीला लगा तब हमने आपको बुलाया और हम लोग इसकी जान को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर खेतों के पास में धामन साहब को रिलीज कर दिया और यहीं पर इंडियन वुल्फ स्नैक को भी रिलीज कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खेतों वाले इलाके में ही रहते हैं, ऐसे एरिया में रहना ऐसा पसंद करते हैं जहाँ पर खेत उत वाला जगह हो और इनकी जान को कोई खतरा ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये लोग जान चुके और समझ चुके कि पूरी तरह से नॉन वेनमस है और आप लोग देख सकते हैं इंडियन वुल्फ स्नैक को भी हम लोग यहाँ पर रिलीज करेंगे। थोड़ा सा जागरूक होगा लोगन, समझिए रियलिटी, समझिए असलियत को जानिए। चलिए रिलीज किया जाए, छोड़ते भाग जाएगा उसको, जब छोड़िए देख रहे कितना जीव निकाला, देख रहे जीव, जीव कैसे निकाला है, देख रहे हैं जीप का कैसे निकाला है, देखिए बहुत बारीक जीप इसको, देख रहे हैं। चलिए देख रहे हैं क्या डिजाइन, देख रहे हैं कैसा नहीं। और यहाँ पर हमने दोनों सांपों को रिलीज कर दिया है, दोनों सांप अपने अनुकूलित वातावरण में जा चुके हैं। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट करें जरूर है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।